बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे और रुद्रपुर पहुंचने पर उन्होंने पत्रकार वार्ता करके कहा कि धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता धर्मांतरण कानून और महिलाओं को नौकरी में 30% शिथिल आरक्षण देने का फैसला लेकर एक नजीर पेश की है। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड में शुरू की जा रही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आज हालात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रही है। इस कारण से भाजपा को सदस्यता दिलाने के लिए चयन कमेटी बनाने की जरूरत पड़ गई। आइए सुनते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने क्या कुछ कहा। देश के अंदर समान नागरिक संहिता का संदेश कहीं से जाएगा तो उत्तराखंड राज्य से जाएगा। भारत के संविधान की धारा 44 में ये बात अंकित है कि देश के अंदर समय समय पर समान नागरिक संहिता के प्रयास होने चाहिए। विवाह का विषय हो, तलाक का विषय हो, विरासत का विषय हो, ऐसे अनेकों विषय है जिन विषयों पर पूरा देश पूरा राष्ट्र चाहता है कि समान दृष्टि से निर्णय हो। मुझे बताते हुए खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर इसके लिए कमेटी बनाई और ये भी बताते हुए खुशी है उस कमेटी के अंदर अधिकतर सुझाव इस समान नागरिकता लागू करने के समाज द्वारा जनता द्वारा मिल रहे हैं।